हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, किस बीमारी में चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, डोजेस क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट है, ज्ञान यार द मेडिकल चैनल को आपने सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हम लाते हैं इसी तरह के मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियो जो कि आप ही के काम आ सकते हैं। सो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन के बारे में। तो ये एक एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन होता है, ठीक है? ये कई नामों से मार्केट में मिलता है, जैसे कि आपने सुना होगा बहुत फेमस ब्रांड नेम कि भाई इम्यूनोग्लो या इम्यूनोफ्रेल या ग्लोबुलिसेल या इंटासलेव आईजी वॉक, कई तरह के नामों से ये मार्केट में मिलता है। बहुत महंगा है, 14,000 रुपये, 15,000 रुपये का भी मिलता है कई बारी, और कुछ ब्रांड्स इसको 5,000-4,000 रुपये में भी दे देते हैं। तो आपके एरिया में कौन सा मिलता है उसकी कीमत अलग अलग हो सकती है, काफ़ी महंगा पड़ता है। इस इंजेक्शन को दोस्तों सबक्यूटेनियस भी लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर भी लगाया जा सकता है, और कई केसेस में इंट्रावीनियस भी लगाया जा सकता है। तो तीनों ही तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाला एक इंजेक्शन है दोस्तों। इसकी क्लास की बात की जाए तो इम्यूनो स्टिमुलेंट्स की क्लास में यह आता है। अधिकतर हमने इंजेक्शन्स कौन से देखे हैं, जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स होते हैं, मतलब कि आपके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स को दबाने के लिए होते हैं, लेकिन ये इंजेक्शन ऐसा है भाई, ये इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, उसको उठा देता है और बढ़ा देता है। तो इम्यूनो स्टिमुलेंट्स की कैटेगरी का ये इंजेक्शन दोस्तों। तो भाई हमें किस बीमारी में इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ता है, जिस बीमारी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, भाई एड्स, ठीक है ना? तो इम्यूनो लैक ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनो प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी, जब ये समस्या होती है तब इसको लगाया जाता है। उदाहरण के लिए एचआईवी बोल सकते हैं, एड्स एक ऐसा रोग है जिसमें आदमी की इम्यूनिटी दिनों दिन कम होती जाती है, तब वहाँ पर इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बीमारी और होती है दोस्तों, कावासाकी, इसमें भी इसको लगाते हैं। कावासाकी एक अलग बीमारी है, उसके ऊपर अपन एक डिटेल वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। तो आप इतना समझ लो कि इन सब बीमारियों में होता क्या है, आदमी की इम्यूनिटी दिन ब दिन कम होती जाती है और ये बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, मतलब कि जो वायुमंडल में, हवा में, पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, या आपके शरीर में जब जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या, फॉरेन पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जब ये कम बनती हैं तो ये इन्फेक्शंस बढ़ाते हैं और आपको बीमार करते हैं। तो ये इंजेक्शन बेसिकली आपके शरीर में जाकर एंटीबॉडीज़ को बढ़ाता है, उनको स्टिमुलेट करता है ताकि आपके शरीर में इन्फेक्शन ना बढ़े, फॉरेन पार्टिकल जो भी है, बैक्टीरिया, वायरस, उससे लड़ सकें। तो बेसिकली हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बढ़ाने का काम है इस इंजेक्शन का। और ये इंजेक्शन लगाते वक्त आपको कुछ सावधानियां रखना चाहिए, जैसे कि व्यक्ति के शरीर में किसी तरह का कोई ब्लड क्लॉट तो नहीं है, या व्यक्ति को कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहाँ पर इसको नहीं लगाया जाता। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, या गर्भवती महिलाएं, प्रेगनेंसी कंसीव हैं, तो वहाँ पर सावधानी पूर्वक इसको लगाया जा सकता है महिला की जान बचाने के लिए। और बात की जाए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स ये देखे गए हैं कि व्यक्ति को हो सकता है थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या उसको सर दर्द होने लगे, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बाकी दोस्तों, अगर इसके लगाने के तरीके की बात की जाए तो इसको एक ही बार लगाया जाता है, ठीक है? एक ही इंजेक्शन काफ़ी होता है, और फिर भी आराम नहीं मिलता तो रिपीट किया जा सकता है, महीने भर बाद या 15 दिन में रिपीट किया जा सकता है। तो एक ही शॉट इसका काफ़ी होता है, 5% की स्ट्रेंथ में ये मिलता है मार्केट में, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन। ये एक एंटीबॉडीज़ बढ़ाने वाला इंजेक्शन है। तो आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके काम आ सकती हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।